करण जौहर, राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, रिया चक्रवर्ती, आप लोगों ने इतना गंदा कर दिया, ऐसा इसको मैल इसमें गंद मचा दी कि जिसका आपको जवाब नहीं रह गया। इसका जवाब आपको जनता जनार्दन दे रही है, जस्टिस फॉर SSR, क्योंकि जब तक सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिल जाता, मैं चाहता हूं आप लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए कि ये बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वायरल हो जाए। जितने भी सुशांत के फैन हैं, जितने भी हिंदू विचारधारा के साथ में सहमत रखते हैं, और जितने भी मेरे पंजाबी सरदार भाई लोग हैं, सब लोग इतना शेयर करो इस वीडियो को, इतना करो कि ये बात CBI तक, ये बात केंद्र तक, ये आवाज हमारी पहुंचनी चाहिए। पोर्नोग्राफी में राज कुंद्रा का नाम सामने आया, वो पुलिस की हिरासत में है। मुंबई पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, अभी तक हिरासत में है। सेक्शन 41A लगा हुआ है उन पे। और आज जब एक इतना बड़ा खुलासा ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद में आज एक नया खुलासा हुआ है, मित्रों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो खुलासा क्या हो रहा है। शर्लिन चोपड़ा, जो एक बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग मॉडल है इस देश की, शर्लिन चोपड़ा ने क्लियर तौर पे एक्सपोज किया है कि मुझसे वीडियोस बनवाई जाती थी, खुलासा हो चुका है, मुझसे थोड़ी बहुत जोर जबरदस्ती करी जाती थी, इस बात का भी जो ये चीजें ये एक्सपोज हो चुके हैं पूरे इस मामले में। और शर्लिन चोपड़ा और शिल्पा शेट्टी के कनेक्शन को समझना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए। मैं ये चीज बताना चाहता हूं, इन दोनों का कनेक्शन ऐसा था कि शिल्पा शेट्टी ने शर्लिन चोपड़ा के कानों में यह बात डाल दी कि जो तुम कर रही हो यह ग्लैमर मॉडलिंग लाइन में एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, ये सब चीजें चलती रहती हैं, तो जो भी तुम कर रही हो मुझे इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे से राज कुंद्रा ने शर्लिन चोपड़ा को बोल दिया कि शिल्पा शेट्टी जी को आपकी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं। एंड शर्लिन चोपड़ा का आज एक बयान आया, इनफैक्ट मैं इसको शर्मनाक बयान बोलूंगा, कि वो कह रही हैं उस बयान में कि जब हमसे ये सारी चीजें बताई जाती थी तो हमें कुछ भी ऐसा फील नहीं होता था कि ये गलत कर रहा है। अरे ये कैसी बात हुई, आपको ये कैसे नहीं फील हो सकता कि आप गलत कर रहे हो, आप न्यूड शूट कर रहे हो, आप पोर्नोग्राफी में शूट कर रहे हो। मैं किसी एक पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं ये जो इसका पूरा गैंग है, जो पूरा ये इसका स्कैंडल, ये सारी चीजें सामने आई हैं, मैं राज कुंद्रा और इसकी पूरी टीम पे उंगली उठा रहा हूं। कभी शिल्पा शेट्टी बोलती है कि मुझे जानकारी नहीं थी, आज शर्लिन चोपड़ा बोल रही है कि मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा इससे परेशानी हो सकती है, तो ये सारी चीजें क्या चल रही है। आज राज कुंद्रा जी, आपकी वजह से आज की डेट में बॉलीवुड का स्तर कितना नीचे गिर चुका है। इससे पहले जो भी नाम सामने आए, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, या फिर किसी का भी नाम आप ले लीजिए, करण जौहर का नाम ले लीजिए, आप लोगों की वजह से आज बॉलीवुड की क्या दशा हो रही है। ये वही मुंबई है जहां पे लाखों, इवन मैं लाखों नहीं मैं बोलूंगा करोड़ स्ट्रगलिंग एक्टर्स आते थे एक्टर बनने का सपना देखने के लिए, जिनके बहुत ही बड़े बड़े सपने होते थे, लेकिन आप लोग ऐसे गेहूं निकले जिनके साथ में बहुत ज्यादा घुन पिस गए, आप लोग वो गंदी मछली निकले तालाब की, जिसने अच्छी खासे साफ सुथरे तालाब को एकदम मैलित कर दिया, एकदम गंदा कर दिया। मैं यहां पे किसी मतलब ये दो चार जो नाम गिनवाए इन पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, ये जो सारी चीजें बॉलीवुड ने कुछ समय से करी हैं, जो हमारे हिंदू धर्म पे, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ जो मजाकिया कंटेंट्स बनाए हैं, मैं उन सारी चीजों को भी इसमें साथ में जोड़ रहा हूं, लेकिन मैं सबको यहां पे एक साथ टारगेट नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट आप दुनिया भर से तो लड़ते ही हो, कभी शिल्पा शेट्टी ये कहती है कि हम मीडिया पे केस कर देते हैं, कर देंगे, कभी शिल्पा शेट्टी ये कहती है कि जितने लोग भी मेरा विरोध कर रहे हैं जरा सामने आओ, हम आप पे केस कर देंगे। अरे कोई बात नहीं, आप केस कर दीजिए, लेकिन आप अपने लोगों के साथ में क्या कर रहे हो। यहां मैं बात कर रहा हूं पूरे बॉलीवुड की। कार्तिक आर्यन को करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से बाहर निकाल दिया गया कुछ दिन पहले। आप अपने लोगों के साथ में क्या चीजें कर रहे हैं, आप क्या दर्शाना चाहते हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं। यहां पे कार्तिक आर्यन हो गए, मैं पूरे बॉलीवुड को गलत इस समय नहीं बोल रहा हूं। सनी देओल भी बॉलीवुड से है, हेमा मालिनी भी बॉलीवुड से है, धर्मेंद्र जी, कंगना रनौत, मुकेश खन्ना, एंड इवन वन कॉमेडियन, हिज नेम इज सुनील पाल, ये लोग भी बॉलीवुड से हैं। लेकिन
आप लोगों के चक्कर में भाई साहब इन लोगों को काम मिलना बंद हो गया। मैं तो एकदम सीना चौड़ा करके कहता हूं कि सनी देओल ने गदर जैसी मूवीज में काम किया है, गदर जैसी मूवीज बनाई हैं जो बहुत ही ज्यादा हिट हुई हैं। इवन मैं सीना चौड़ा करके बोलता हूं कि हेमा मालिनी जी सांसद है बीजेपी से, जो बॉलीवुड का हिस्सा रही है। स्मृति ईरानी इतनी बड़ी नेता है बीजेपी की, जो एक समय पर शो करती थी, कितने बड़े बड़े नाम, कितना बढ़िया कारोबार होता था बॉलीवुड का। 1990 का दशक ऐसा था जब हर किसी के दिलों में बॉलीवुड के गाने, हर किसी की धड़कन में बॉलीवुड के गाने चलते थे। लेकिन आप लोगों ने करण जौहर, राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, रिया चक्रवर्ती, आप लोगों ने इतना गंदा कर दिया, ऐसा इसको मैल इसमें गंद मचा दी कि जिसका आपको जवाब नहीं रह गया। इसका जवाब आपको जनता जनार्दन दे रही है। अगर बॉलीवुड आपको वापसी करनी है तो मैं एक चीज में अक्षय कुमार की तारीफ करूंगा, जो कुछ दिन पहले वो गए थे बॉर्डर पे और आर्मी का हौसला उन्होंने बढ़ाया था, मैं इस चीज में अक्षय कुमार की तहे दिल से तारीफ करता हूं। और इसके साथ ही साथ बस जाते जाते मेरी आखिरी लाइन्स यही रहेंगी कि ये जितनी भी हरकतें चल रही हैं सर बंद कर दीजिए, क्योंकि लाखों एक्टर्स भूखे मर रहे हैं, लाखों एक्टर्स, लाखों परिवार बर्बाद हुए हैं, लाखों लोगों के सपने टूटे हैं। मेरा भी किसी समय पे सपना था कि बॉलीवुड में जाऊंगा, ये वो, दुनिया भर का मैं जुड़ा हुआ हूं बॉलीवुड से, लेकिन इतनी गंदगी में मैं काम नहीं कर सकता। 2019 तक मैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर वर्क कर रहा था, लेकिन वहां पे जो गंदगी मचा दी, जो ये मैल मचा दी, इस चीज में सर मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा। और हमारी जनता जनार्दन को मेरा ये छोटा सा इंटरव्यू देखकर अब खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सही है, राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे हैं, ये सही हैं, या फिर हमारी आर्मी, हमारे लीडर्स, और जो भी हमारे देश के ये नीरज चोपड़ा का नाम सामने आया है, पीवी सिंधु, ये रियल हीरोज हैं। और इनफैक्ट आई कैन टेक द नेम ऑफ सनी देओल, हेमा मालिनी जी, कंगना रनौत, ये लोग असली हीरो हैं। ये तो कहीं ना कहीं हम ही लोगों को, आपको कार्तिक आर्यन, हमको और आपको मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। और जाते जाते बस लास्ट लाइन यही है, जस्टिस फॉर SSR, क्योंकि जब तक सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिल जाता, मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वायरल हो जाए। जितने भी सुशांत के फ़ैन हैं, जितने भी हिंदू विचारधारा के साथ में सहमत रखते हैं, और जितने भी मेरे पंजाबी सरदार भाई लोग हैं, सब लोग इतना शेयर करो इस वीडियो को, इतना करो कि ये बात CBI तक, ये बात केंद्र तक, ये आवाज़ हमारी पहुंचनी चाहिए कि सुशांत को जस्टिस मिलना चाहिए और बड़ी स्पीड से मिलना चाहिए। हालांकि केंद्र इस पर वर्क कर रहा है, CBI भी एक्शन में है, सारी चीज़ें आउट नहीं कर सकते ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजंस, लेकिन सुशांत का इंसाफ हमें जल्द से जल्द चाहिए। और शायद उसके बाद ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल है कि बॉलीवुड वापसी कर पाएगा, जब ये आर्मी को ऐसे ही अपना लव दिखाएगा आर्मी पे, पाकिस्तान को थोड़ा खुद से दूर रखेंगे, सनातन कल्चर को, हमारे हिंदू कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी बस वापसी संभव है, अन्यथा नहीं। जाते जाते बस एक ही चीज़ कहूँगा, जो अक्सर हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूँ, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।